हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं रांची के ओरमांझी पार्क में, जहां पर आप लोगों को अंदर में लेके चलते हैं सांप घर के पास, और वहां पर आप लोगों को बहुत ही अलग अलग तरह के सांप देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सांप घर के पास। तो दोस्तों, अभी हम लोग सांप घर के पास पहुंच चुके हैं, और यहां पर अंदर जाने के लिए आप लोगों को 10 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। तो हम 2 टिकट ले चुके हैं दोस्तों, और यहां पर बहुत ही अलग अलग तरह के सांप देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों अंदर, और आप ही आप लोगों को सांप दिखाते हैं। दोस्तों, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अजगर, जो कि काफ़ी खतरनाक लगता है। इसे इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, और इसकी लंबाई 6 मीटर तक की है। तो अभी आप लोगों को पूरा सांप दिखाते हैं एक लाइन से। दोस्तों, ये है रेड स्नेक, जो कि हिंदी में इसे धामन बोला जाता है, और ये काफ़ी खतरनाक होता है और काफ़ी जहरीला भी होता है। दोस्तों, ये है बिल्ली सांप, जो कि इंग्लिश में कॉमन कैट स्नेक भी बोला जाता है, और इसकी लंबाई 1.25 मीटर तक की है, और ये पत्तों में ज़्यादातर पेड़ पौधों में लिपटी हुई ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, ये है रेड सैंड बोआ, जो कि हिंदी में इसको दुमुहा सांप बोला जाता है, और इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक की है, और ये रेत में ज़्यादातर मिलती है, और इसका भोजन है छिपकलियाँ और पक्षी खाना पसंद है। दोस्तों, ये है बैंडेड करैट, जो कि हिंदी में धारीधार करैत बोला जाता है, और इसकी लंबाई 2.25 मीटर तक होती है, और ये सांप ज़्यादा जहरीला नहीं होता, ये रेयर में काटती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नाग, जो कि इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, जो कि ये काफ़ी खतरनाक है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक की है, और ये ज़्यादातर गांव में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी अलग अलग यहाँ पर सांप देखने को मिला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो सांप घर है दोस्तों, ये साल में 9 महीना खुला हुआ रहता है, 3 महीना ठंड के, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इस समय बंद रहता है। तो आप लोग गर्मी के मौसम आएंगे तो आप लोगों को ये सांप घर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और जय हिंद। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।